नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, ऐतिहासिक और सबसे बड़ा फैसला। 500 वर्षों का विवाद सुलझा। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर मस्जिद के लिए अलग से जगह देने का भी फैसला लिया गया। कोर्ट के फैसले में ASI का हवाला देते हुए कहा गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे ढांचा था और वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है। कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं अयोध्या में ही जमीन दी गई है जहां पर मस्जिद बनाई जा सकती है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े फैसले में अयोध्या विवाद को सुलझा दिया गया। कोर्ट ने माना है कि विवादित जमीन पर रामलला विराजमान है और उनका हक है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने और उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसहमति से ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पहुंचे। 5 जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था, क्योंकि विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले को में यह भी कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की जो पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में भी नाकाम रहा है। वहीं कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था। ये तमाम बातें कहने के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया। हालांकि कोर्ट ने सिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावों को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर एक ट्रस्ट बनाना है। इस ट्रस्ट के पास ही निर्माण मंदिर और मंदिर को बनाने की पूरी जिम्मेदारी होगी। यानी अब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। अब इसके बाद आगे का काम केंद्र में मोदी सरकार को करना है। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में जमीन देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए। इस तरह से 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। इसमें 10 को पुराने विवाद का खात्मा हो गया और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया था। कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान है के बीच में जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद शनिवार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया और विवादित जमीन पर रामलला को देने का आदेश दिया। आप देखें पर्पल की एक खास रिपोर्ट।